आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं ओके चाहता हूँ, देखो सुनना आपके लिए, आपका सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं तो हर दिन आता हूँ लेकिन आपको आज का सेशन मैं मिस नहीं करना चाहता। तो प्लीज सर, डॉक्टर कुमार सर, कंटिन्यू सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज से 1.5 साल पहले मैंने ये सेशन लिया था, और इस सेशन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी खास चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विकास जी के बारे में, अगर मैं बात करूं विकास जी के दूसरे लेग के बारे में अगर बात करूं, तो ये सेशन मैंने वहां लिया था। और उस सेशन में कई सारे लीडर्स का मेरे पास एक्चुअली कॉल आया कि वो एटमी से क्विट करना चाह रहे थे। देखिए, इस सेशन में मेरा कोई रोल नहीं है या मैं कुछ खास देने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस सेशन के पीडीएफ में जो मैंने मेहनत करी है, अगर आप उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, तो मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि आपके सोचने समझने का तरीका आज बदल जाएगा। आज आपको एटमी उस रूप में नजर आएगी जिस रूप में एक्चुअली हम देखते हैं। हम का मीन्स है जितने हमारे सेल्स मास्टर हैं अलोंग विद डायमंड मास्टर, जो इसी सॉरी सर। तो ये एक्चुअली में एक डिफरेंट सेशन है, एक डिफरेंट बात है जो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर समाने की जरूरत है। अगर हमने एटमी को एग्जैक्टली वही सोचा, वही समझा जो नॉर्मल नेटवर्क कंपनी में होता है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आज नहीं तो कल आप एटमी से क्विट कर जाएंगे। लेकिन एटमी को आपने वो समझा जो आज हमारी पूरी टीम के साथ हम आपको देना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, हमारे टीम के जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं उनसे तो रेगुलर रोजमर्रे में बात होती रहती है, उनको पता है कि एक्चुअली हम एटमी को किस अंदाज में लेते हैं, क्या पैटर्न है हमारे एटमी को सोचने और समझने का। लेकिन हाँ, हमारे कुछ गेस्ट हैं यहाँ पे आज जो पहली बार इस मीटिंग को लेंगे, तो डेफिनेटली मैं तो उनको उनके लिए बोलूंगा कि डेफिनेटली आज के बाद उनका सोच समझ, उनका तरीका, उनका अंदाज, ये सब डेफिनेटली बदल जाएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारे जितने भी को होस्ट हैं, अगर वो मुझे परमिट करते हैं तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यस सर। यस, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारे जितने भी को होस्ट हैं, डॉक्टर जगराम जी, जबरदस्त, मैं अगर इनके लिए शब्द बोलूं तो ये इन्होंने जो एटमी को समझा और देखा है शायद कोई नहीं देख सकता। हमारे डायमंड मास्टर आपके सामने हैं, और हमारी एक को होस्ट हैं दीपाली जी, जिनका डेडिकेशन हमेशा बहुत जबरदस्त रहता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज तो गूंज तो नहीं रही ना? नहीं सर, आपकी आवाज दिल में गुजर, दिल के अंदर गूंज रही है सर। नहीं नहीं, गूंज रही है तो मैं कुछ सही आ रहा आवाज आपका, ठीक है, आवाज क्लियर है। ओके ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच दीपाली, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ, और डेफिनेटली आप जितने लोगों को बुलाना चाहें आप बुला लें, थोड़े से सीट्स हमारे पास हैं तो आप बुलाना चाहें तो बुला लें। डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट आपको रोक दूं, मैं माफी, डॉक्टर साहब एक मिनट के लिए माफी चाहता हूं, मैं मेरे से गलती हो गई, मैं चाहता हूं कि माफी चाहता हूं, सॉरी, मैं चाहता हूं अगर आप लोग जो भी सेशन में, मैंने भी पेन डायरी लेके बैठा हूं मैं, और आप अगर उन बातों को लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो कहते सुनी सुनाई बातें जो है इंसान भूल जाता है, लेकिन वेरी गुड, मैं जानता हूं। तो प्लीज अगर आप लोग, क्योंकि आगे आगे चलकर ये बातें बहुत काम आने वाली है, राइट, तो मैं तो तैयार हूँ, आप तैयार हैं, तो प्लीज आपकी कैमरा बंद करके कीजिए जैसे, थैंक यू अनिल जी। तो ये बातें लिखनी है, डॉक्टर साहब जो बोले ना वो लिखनी है, क्योंकि आगे चलकर आपको भी सेशन लेने बहुत सी चीजें काम आएंगी। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब कंटिन्यू प्लीज। राइट सर, राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
एक मिनट सर, कुछ एक मिनट रुकिए सर, मैं थोड़ा सा सर, कुछ एक मिनट मुझे टाइम दें। ओके, नो प्रॉब्लम सर। ये कुछ इसमें कुछ एरर है। सर थोड़ा सा टाइम दे मुझे, कुछ सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट के। नो प्रॉब्लम सर, आप ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ विकास जी, दो मिनट बस। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। सभी लोग पैसेज बनाए रखेंगे और मैं 2 मिनट के बाद डॉक्टर साहब वापस आएंगे, और जब तक हम लोग थोड़ा सा चाहे तो एक बार और भी किसी को कॉल कर सकते हैं। मैं तो जरूर एक कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि एक नए साथी को तो मैंने बुलाया है और भी बुलाऊंगा मैं। पीडीएफ का मोड सर चेंज कर रहा हूँ। ये सर मुझे दूसरे बोर्ड में करना पड़ेगा सर, एक्चुअली थोड़ा सा सपोर्ट नहीं हो रहा ये। तो कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? बस एक मिनट सर, नो प्रॉब्लम, तो कीजिए आप, कीजिए। सर मुझे इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा इसको, वो जैसा ओरिजिनल फॉर्म में आ नहीं रहा। ओके, राइट सर, आवाज क्लियर है? हाँ आवाज क्लियर है आपकी, बिल्कुल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स फॉर द पेशेंस, और मैं आप सबको जो आज बताने वाला हूँ वो डेफिनेटली कुछ अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए ये जानना कि क्या समय समय पर आपके साथ चीजें बदल रही है, क्या आपके पास पास चीजें चेंज हो रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस सदी की, उस बदलाव की जो 1910 से 1930 के बीच में हुआ। अगर मैं बात करूं 1910 की, वो एक ऐसा समय था जिस समय हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स का एक राज हुआ करता था। अगर मैं बात करूं वहां पर जो शासन था 1910 के आसपास, जो मेन पावर थी, पावर में थी, जिसको महारानी कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया, उनके अकॉर्डिंग चीजें रन करती थी। औरतों का सम्मान होता था, चीजें एक अलग ढंग से ऑर्गेनाइज थी।
समय बदला, 1930 के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई आपके आसपास, और एक ऐसा समय आया उस दौरान 1939 से 1945 तक चीजें बदलकर विश्व में वो घटनाएं घटने लग गई जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड में चीजें आपके हाथ से जानी शुरू हो गई। अगर मैं बात करूं तो जबरदस्त फाइनेंशियल मंदी आपके आसपास थी, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, लोग इस हालत में थे कि वो सोच नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें और अब हमारा क्या होगा। लेकिन उस दौरान भी इतनी नेगेटिविटी थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। इतनी नेगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिविटी थी। अगर मैं वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करूं तो आप सबको पता है कि उसको लीड किया किसने, हिटलर ने। कमाल की बात है कि उस दौरान उसने जितने साइंटिस्ट थे उसके सर पर बंदूक रख दिया और स्पेशली हिदायत दी गई कि या तो आप खास वेपन्स तैयार करो, हथियार तैयार करो, अदरवाइज आपको मैं गोली मार दूंगा। सोचिए, एक देश, दुनिया आर्थिक तंगी में गुजर रही थी और वो हिटलर एक अलग मिशन में लगा हुआ था, और मिशन का नतीजा ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी चीजें नेगेटिव हुई, बहुत सारी चीजें नेगेटिव हुई, लेकिन साइंस ने वो डेवलपमेंट किया, साइंस में वो डेवलपमेंट्स आए जिसका नतीजा आज हमारे पास इतने सारे वेपन्स हैं, इतने सारे आप रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, इतने सारी चीजें आपके पास आज अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था। मतलब अगर मैं वहां पर वैल्यूज की बात करूं तो डॉलर्स की वैल्यू इतनी कम हो गई थी जो आज तक कभी हुई ही नहीं। सोचिए कि वो एक समय था जिसमें लोगों को यह नहीं पता था कि एक्चुअली उसके साथ अब क्या होगा, उसका फ्यूचर अब कहां जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या हम खाना भी खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। उस दौरान एक आदमी का दिमाग चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे सबसे बड़ा हाथ हिटलर का ही था। हम उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान नहीं कह सकते, लेकिन उसकी हिटलरी की वजह से, अगर आप उसका दूसरा पक्ष देखें, उसकी हिटलरी की वजह से उस पर्टिकुलर पीरियड में जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ, उसके डर से जो साइंटिस्ट ने जो वर्क किया उस पर्टिकुलर दौरान 1939 से लेके 1945 तक, जो ये पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिसमें पूरा विश्व दो पार्ट में बट चुका था, इस दौरान जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ वो आज तक उस रेशियो में और उस स्पीड में कभी भी इतने फास्ट रिसर्चेस नहीं हुए। देखिए कमाल की बात, दो चीजें हैं, एक आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है और एक आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एक तरफ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी और जबरदस्त आर्थिक मंदी थी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, बिजनेस नहीं था, सब कुछ तबाह हो चुका था। आपने अभी देखा होगा, अभी यूक्रेन का जो लड़ाइयां हो रही थी उसमें आपने देखा कि कितनी ज्यादा तबाही मची, पूरा शहर खाली हो गया, लोग नहीं दिख रहे। वो सिचुएशन एक्चुअली उस समय भी थी,
और लोगों को पता नहीं था कि अब फ्यूचर क्या होगा। लेकिन हिटलर की नेगेटिविटी के पीछे एक पॉजिटिविटी थी कि उस समय साइंस का मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ, जबरदस्त रिसर्चेस हुए। नतीजा आज आपके सामने है कि आपके पास आज ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको सोचकर हम बहुत फक्र महसूस करते हैं। ये उसका पॉजिटिव आस्पेक्ट था। और मैं अगर बात करूं कि हम सब नेटवर्कर हैं, और नेटवर्कर की खास बात होती है कि हमेशा वो चीजों से पॉजिटिविटी निकालता है। तो ये पॉजिटिविटी थी उस समय की, जिसके कारण दुनिया में वो चेंजेस आए, एक पूरी की पूरी सदी, एक पूरा का पूरा माहौल एक अलग सीक्वेंस में बदल गया, एक अलग साइंटिफिक चीजें आपके सामने आने लग गई, एक अलग कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया आपके सामने, और ज्यादा से ज्यादा मॉडिफाई हो गए आप, चीजें आपके सामने बदल गई। अब इसको अगर फील करना है तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, 2020 से 2025, अगर मैं बात करूं 1945 के बाद अगर कोई चेंजेस आए, मेजर चेंजेस में अगर मैं बात करूं, तो वो इस समय चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। 2020 से वो चेंजेस स्टार्ट हुए और 2025 तक मैक्सिमम चेंजेस आपको नजर आए। और चेंजेस क्या क्या नजर आएंगे वो आज मीटिंग के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आज के बाद एटमी आपको एटलीस्ट उन कंपनियों के बीच में नजर नहीं आएगी जिन कंपनियों का बैड एक्सपीरियंस हमारे पास है, जिस कारण से हमने किसी कंपनी को छोड़ दिया, किसी कंपनी में हमने पैसे नहीं कमाए, वो वजह ही खत्म हो जाएगी आज की मीटिंग के बाद। आपका अंदाज, आपका तरीका, आपका सोच, आपकी समझ कंप्लीटली बदल जाएगी। अब आप देखें, 2020 से कोरोना स्टार्ट हुआ और 2025 तक लगभग कोरोना कंटिन्यू रहेगा किसी ना किसी फॉर्म में, अलग अलग म्यूटेशन फॉर्म में ये अवेलेबल होगा आपके आसपास। लेकिन देखिए, क्या आज इस कोरोना काल की पॉजिटिविटी को अगर देखें, नेगेटिविटी क्या है नीचे के स्लाइड में देखिए कि ये आपका इकोनॉमी है जो फॉल होता चला गया और हमारा नेगेटिव सारे के सारे सेंसस नेगेटिव में चले। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, पॉजिटिव सेंस की बात करूं, अगेन इस कोरोना की वजह से पॉजिटिविटी क्या आई, पॉजिटिविटी ये आई कि आज आप कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई झुमरी तलैया में बैठा है, और कोई दिल्ली में बैठा है, कोई पटना में बैठा है, लेकिन हम लोग आज इस जूम मीटिंग के थ्रू, ये जूम मीटिंग की एक्चुअली में लोगों को इस जूम मीटिंग का नॉलेज, इसकी यूटिलिटी एक आम इंसान को, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक को इस जूम की यूटिलिटी और इस ऐप को चलाना आ गया। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह थी कोरोना। कोरोना में मैक्सिमम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग सीख ली, ये इसकी कोरोना की पॉजिटिविटी थी। स्कूल बच्चे नहीं जा पाए, अपने घर से उन्होंने पढ़ना सीख लिया ऑनलाइन, और आज हम ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग में, जो नेटवर्क कंपनी में हम लोग दूर दूर जाया करते थे मीटिंग्स के लिए, आज हमें कुछ नहीं करना, हमने जूम ऐप खोला और व्हाइट बोर्ड निकाला और हमने सारी मीटिंग उसमें दे डाली। ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था। लेकिन देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत छोटी सी बात है, जूम मीटिंग को यूज करना। लेकिन जूम मीटिंग को यूज करना ये सब कर रहे हैं आज के टाइम। ऐसा नहीं है कि एटमी के लोग ही जूम मीटिंग को यूज कर रहे हैं। आज अगर किसी भी कंपनी की बात करूं मैं, वो जूम मीटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां सिमिलरिटी है, यहां हम बाकी कंपनियों से डिफरेंट नहीं है, लेकिन जिस एस्पेक्ट पे, जिस वजह से मैं काम कर रहा हूं एटमी में, हमारे डायमंड मास्टर एटमी में काम कर रहे हैं, आज मैं अगर जगराम जी के व्यूज को बात करूं, वो काम कर रहे हैं, आपको पता है बीएड कॉलेज के मालिक हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है उनको, डॉक्टर दीपाली हैं और हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो एसोसिएटेड हैं, एटलीस्ट कम से कम जो AIA प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं,
उनके व्यूज में क्या डिफरेंट है, वो क्या सोचते हैं अलग से, क्या सोच है उनकी, वो क्यों ऐसे लोग हैं जो 28 में से 14 अचीवर निकाल के लेके आ गए, ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि हम जिस एस्पेक्ट को देख रहे हैं, हम जिस रूप में एटमी को अपने जहन में उतार चुके हैं, शायद पूरे इंडिया में उस एंगल से एटमी को लोग शायद नहीं देख रहे, या तो वो पुरानी कंपनी से उसको रिलेट कर रहे हैं, या पुरानी नेगेटिविटी को वो यहां लेके आ रहे हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम तक इनकम नहीं आती है तो वो एटमी को छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली में उनको वो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है जो एक्चुअली एटमी। तो ये जरूरी है, आज की मीटिंग का मेन पर्पस है कि क्या आप उस चीज को जानते हैं कि एक्चुअली एटमी क्या है, एटमी एक्चुअली कहां जाने वाली है। कभी कहीं ना कहीं दिमाग में हमारी ये बात आती है कि दूसरी कंपनी में भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं और हमारे पास भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, वो फर्क है जो आप देख नहीं पा रहे, जो हमने देख लिया, हमारी AIA टीम के सदस्यों ने देख लिया, वो फर्क है। और जितने भी लोग आज हमारे गेस्ट आए हैं, कहीं से भी आए हैं, किसी भी टीम से आए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मीटिंग एंड होते होते मैं वो व्यूज दिखा दूं आपको, वो नजरिया आपको दिखा दूं, वो एस्पेक्ट आपको बता दूं कि आज की मीटिंग आपके लिए शायद काम आ जाए। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। देखिए, इतने सारे आपको फेसेस नजर आ रहे हैं, इतने सारे फेसेस यहां पर नजर आ रहे हैं आपको। इसमें देखिए ध्यान से कि मैक्सिमम फेसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन एक सिंगल फेस जो आपको ब्लैक सा नजर आ रहा है वो अलग डायरेक्शन में देख रहा है। ये जो अलग डायरेक्शन में देखने वाला है ना, ये ट्रू एटोमियन है। पूरी दुनिया एक एंगल में जा रही है, एक पैटर्न में जा रही है, एक फ्लो में जा रही है, लेकिन जो ट्रू एटोमियन है उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी समझ उनसे परे है, उनसे अलग है, और वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको पता है अगर हमें उन्नति करनी, दुनिया से सोच अलग रखनी पड़ती। अगर हम दुनिया से अलग सोच रखते हैं, जो दुनिया सोच नहीं पा रही है वो सोच अगर हमने अपनी बना रखी है तो आपको एटमी समझ आ जाएगी। और ये सोच डेफिनेटली आज मीटिंग के एंड तक आपके जहन में उतार दो। अभी बहुत सारे लोग आपको समझ, इतने सारे लोग एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, हो सकता है इतने सारे लोग आपको पागल बोलें, लेकिन सर आप इनसे हजार टाइम्स आगे हैं, आप बहुत आगे का सोच रहे हैं जो ये सोच ही नहीं पा रहे। अगर मैं बात करूं तो आने वाला समय देखिए, सब कुछ आपके आसपास, जितने लोग हैं हमारे आसपास, सबके सब सोशल मीडिया के थ्रू, एडवांस सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे कि आज अगर हम ये सोचते हैं कि हम जाकर मार्केट से थैला लेके जाएंगे और मार्केट से सब्जी डाल के लेके आएंगे, आने वाला समय ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है आपको। आज खाना आपके घर आ रहा है, सब्जियां आपके घर आ रही है, टीवी में रोज एड देखते हैं, बैंगन का एड आता है जियो मार्ट का, अगर आप चाहें तो एक बैंगन अपने घर में मंगा लें, कुरियर चार्ज फ्री, और अगर वो पसंद नहीं आए तो आप उसको वापस कर दें। क्या ये सुविधा पास की सब्जी वाला आपको दे सकता है? आप उसके पास जाएंगे, बैंगन लेंगे, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप उसको वापस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम डेवलप है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लगभग 15 दिन से 30 दिन की लोग वारंटी देते हैं कि जी आपको नहीं पसंद आए तो आप वापस कर दीजिए। सोचिए क्या आने वाला समय वो रहेगा कि शटर वाली जितनी दुकानें हैं, क्या आपको लगता है वो शटर वाली दुकानें बच जाएंगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। एक समय था जब टूर एंड ट्रेवल्स हुआ करता था, आज मेक माई ट्रिप ने उसकी जगह ले ली। एक ऐसा समय था
जब छोटी दुकानों के जगह मॉल्स बने और मॉल्स में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बहुत चला। आज सर मॉल्स में अगर आप जाके देखें तो खाली बैठे हैं लोग। चीजें शिफ्ट हो गई, कहां शिफ्ट हो गई, ऑनलाइन चीजें शिफ्ट हो। आज लोग मॉडल देखते हैं पास की दुकान में, समझते हैं, देखते हैं, उस मॉडल को चेक करते हैं और ऑर्डर कहां से करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर। क्या हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को, क्या हमने उस एंगल में डेवलप किया है? देखिए, अगर डेवलप नहीं करते तो एक्चुअली क्या होने वाला है, आप सिर्फ एक रियलाइजेशन, आप मीटिंग के दौरान एक रियलाइजेशन में आ जाइए। जो मैं कह रहा हूं उसको एक बार रियलाइज करके देखिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आप बैंक जाते हैं और बैंक में कई सारे पुराने कर्मचारी होते हैं और वो आप उसके सामने खड़े होते हैं और वो अपने कंप्यूटर उसने कभी जिंदगी में सीखा नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसने कंप्यूटर सीखा इस कोरोना काल के बाद या कंप्यूटर आने के बाद, और वो आपका एक एक उसके स्विचेस को, एक एक बटन को एक एक करके दबा रहा है, आपके नाम को भी टाइप करने में उसको बहुत समय लगा और आप वहां खड़े होके इरिटेट हो रहे कि कहां से ये जंगल का आदमी यहां पे आ गया, इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। क्या हम अगर अपने आप को चेंज नहीं करते, समय के हिसाब से अगर हमने अपने आप को चीजों में, ऑनलाइन सिस्टम में नहीं ढाला, लगता है आपको 2025 के बाद, मैक्सिमम 2030 के बाद आपके सामने खड़े होकर लोग उसी तरह आपका मजाक बना रहे होंगे जिस तरह उस बैंक कर्मचारी के सामने हम खड़े होकर इरिटेट हो रहे होते हैं कि ये क्यों बिठा दिया इसको यहां पर। अगर आज आपने अपने सिस्टम को ऑनलाइन कन्वर्ट नहीं किया, अगर आपने कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं शुरू किया अपने बिजनेस के साथ, कुछ ऐसी चीजें आपने नहीं डेवलप करी अपने अपने लाइफ में, अपने कमाने के सिस्टम में जो कंप्लीटली 100% ऑनलाइन है। अब बात करूं यहां समझने वाली इंपॉर्टेंट बात और नोट करने वाली बात कि एक बड़ी छोटी सी बात दिमाग में आ जाती है, भाई ऑनलाइन तो बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है, डेफिनेटली बेचती है, तो फिर एटमी में क्या फर्क है? सर, एटमी में कहा जाता है 100 साल तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटमी क्या मतलब समझते हैं आप इसका? 100 साल तक प्रॉब्लम नहीं है मतलब 100 साल तक कंपनी चलेगी? रॉन्ग समझते हैं आप, गलत समझते हैं आप। 100 साल तक कंपनी चलेगी ये इसका मतलब नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं, यहां पे शायद मुझे लगता है 1% लोगों को नॉलेज होगा, हमारा कोलमार्क से टाइप है, हमारा कैरी से टाइप है, और आप में से 1% लोगों को शायद मुझे लगता नहीं पता होगा हमारा मोफेक से टाइप है। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से टाइप है जो 100 साल में जितने टेक्नोलॉजी चेंज होने वाले हैं, जितने भी चेंजेस आने वाले हैं, वो ऑलरेडी उस पे वर्क कर रही है और वो उससे हमारा MOU साइन। अगर 100 साल तक जितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई हम उसके लिए अडेप्टेड हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको अभी, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी हमारे डायमंड मास्टर ने बोला कि जी नोकिया मार्केट से गायब हो गई, और ये बड़ा छोटा सा एग्जांपल है उन्होंने दिया आपको समझाने के लिए कि सबके आम मरे की एग्जांपल है। इन्होंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल उठाया आपको समझाने के लिए। आज नोकिया ने हमेशा ये सोचा कि क्या जरूरत है फोन में बहुत हाई फाई कैमरे की, क्या जरूरत है फोन में बहुत हाई फाई म्यूजिक के लिए, सुनने के लिए क्या जरूरत है कि हम फोन से कुछ इमेजेस भेजें इधर से उधर। फोन तो सिर्फ कॉल करने के लिए होती है, अच्छी आवाज आनी चाहिए, बात खत्म। उनको नहीं लगा कि उनको गूगल से टाइप करने की जरूरत है, उनको नहीं लगा गूगल से उनको कनेक्ट होने की जरूरत है। लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ कंपनीज लाइक सैमसंग ने उनसे टाइप किया, एंड्रॉइड फोन को उन्होंने प्रमोट किया, और नतीजा ये निकला उन स्मार्टफोन की वजह से रातों रात नोकिया मार्केट से गायब हो गया, और आज तक एंड्रॉइड निकालने के बाद भी आज तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रही। चेंज किया
लेकिन बहुत बाद में चेंज किया। तब चेंज किया जब उनके हाथों से मार्केट निकल गया। हम 100 साल तक के लिए इतने प्रिपेयर हैं कि अगर हमें लोगों ने देखकर बाद में चेंज किया भी, तो जब तक वो वहां पहुंचेंगे तब तक हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जब तक हम आगे निकलेंगे वहां वो पहुंचेंगे, तब तक हम और आगे निकल चुके होंगे। अब आप समझिए एग्जैक्टली मैं बताता हूं, आज नोकिया कभी भी मार्केट को कैच नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वो नेटवर्कर्स जो आज एटमी को डायरेक्ट सेलिंग समझते हैं, आज इसको क्या समझते हैं, नेटवर्किंग समझते हैं, इसको कंप्लीट ई कॉमर्स पोर्टल उनके दिमाग में नहीं है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं उसकी वही सिचुएशन होगी जो आज नोकिया की। आज 30,000, 40,000, 50,000 रुपए वो कमा रहे हैं और वो उनको लगता है कि ये हाथ से मेरे ना चला जाए। सर आप 40-50 हजार रुपए कमाते रह जाएंगे, और जो लोग आज यहां 4,000 रुपए कमा रहे हैं ना महीने का, एक मैचिंग ले रहे हैं ना महीने के, सर वो जितने 5 साल की उसकी पूरी कमाई जोड़ देना और 1 साल की हमारे उस पर्सन की कमाई जोड़ देना जो आज हमारे इवन सेमी सेल्स मास्टर है, जो हमारे यहाँ 4,000 से 8,000 रुपए भी महीने का इनकम ले रहे हैं, सर 1 साल के अंदर वो बदलाव आएगा अचानक से कि वो इतने पैसे कमा लेगा जो वो 4 साल में खुश होकर 40-40 हजार में नहीं कमा रहा था। और उसके बाद जो ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियल हमारा, वो बीटेबल नहीं होगा। अगर ये सोचा आपने, अगर आप बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, बात करते हैं पैसिव इनकम की, बात करते हैं नेटवर्किंग की, और आप 4 से 5 साल आगे का विजन नहीं देख सकते, तो सर आप अभी भी बहुत कच्चे हैं। आप किस उलझनों में पड़े हुए हैं, आप किन किन मतलब भावना में पड़े हुए, आप कहां हैं उलझे हुए, ये आपको खुद नहीं पता। अगर आपने आज से 5 साल के बाद का फ्यूचर देखा तो बाकी की बातें आपको गौण नजर आएगी, बाकी की बातें आपको इतनी छोटी नजर आएगी कि वो सारी चीजें नलीफाई हो जाएंगी। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप 1 करोड़ रुपए एटमी से कमा रहे हैं पर मंथ और 50 लाख रुपए आप डोनेट कर रहे हैं, किससे कैसा कंपटीशन, कौन सी कंपनी से कंपटीशन करोगे आप? सोचो एक आदमी जो दूसरी कंपनी में है जो बंद होने के कगार में आ जाएगा और आप 50 लाख रुपए डोनेट कर रहे, वो 50 लाख रुपए पूरी जिंदगी में नहीं कमाएगा और आप 50 लाख रुपए हर मंथ डोनेट कर रहे हैं, क्या ये विजन है आपका? क्योंकि अभी बताया मैंने, मेक माई ट्रिप ने टूर एंड ट्रेवल्स की जगह ले ली, मॉल्स की जगह ऑनलाइन सिस्टम ने ले ली, और आज मैं अगर बात करूं नेटवर्किंग की, बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो अगर समझ है आपको तो उसकी जगह एटमी ने ले ली। अगर नहीं समझ है तो समझ आएगा आज के बाद डेफिनेटली, और आज के बाद भी समझ नहीं आया तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? एरा ऑफ चेंज। देखिए एटमी के आने से क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है और एटमी का थॉट प्रोसेस क्या क्या है, किस एंगल में एटमी प्लान कर रही है, किस एंगल में एटमी सोच रही है, आप क्या वहां तक पहुंच पा रहे हैं या अभी भी आप ऐसा तो नहीं कि किसी और ही उलझन में पड़े? ये है हमारे हैंगिल पार्क, द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस विद XR टेक्नोलॉजी, VR टेक्नोलॉजी एंड AR टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड रियलिटी XR टेक्नोलॉजी, वीडियो रियलिटी एंड ऑडियो रियलिटी। इन टेक्नोलॉजीज पे हमारे CEO काम कर रहे हैं मफेक के साथ मिलकर। अगर मैं आगे की बात करूं कि देखिए एक्चुअली में क्या होने वाला, 100 साल की कंपनी या लिखा न्यू इंजन टुवर्ड्स ए 100 ईयर कंपनी एटॉमी XR एंड पर्सनल प्लेटफॉर्म, ये हमारे प्रेसिडेंट हैंगिल पार्क एटमी के बोल रहे हैं। होना क्या है यहाँ, मैं छोटे छोटे आपको एस्पेक्ट्स दिखाता हूं, थोड़ी चीजें आपको पता होगी और थोड़ी चीजें आपको पता लग जाएगी। अब ये एक एग्जाम्पल है कि आपको मार्केट में जाकर जूते खरीदने हैं या सॉक्स लेने, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक पर्टिकुलर पैंट के साथ आपके
कौन से जुराबें आपकी अच्छी जाएगी, कौन से जूते आपको अच्छे लगेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना। आपके मोबाइल फोन में एटमी के ऐप के साथ एक्सा टेक्नोलॉजी ऐड होगा। आप अपने पैर की तरफ अपने कैमरे को करेंगे और जिस कलर के जुराब को टच करेंगे वो जुराब आपके ऐसा फील होगा कि आपके पैर में वो जुराबें आ गई। अगर आप अपने फोन को अपने सामने रखेंगे तो आपके आप जैसा अवतार उस फोन में आ जाएगा, आप जैसा डमी उस फोन में आ जाएगा। आप शर्ट को टच करेंगे, शर्ट उस डमी में आ जाएगा। पैंट को टच करेंगे, पैंट उस डमी में आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा ये कपड़ा आपके लिए सूटेड है या ये कपड़ा आपके लिए सूटेड नहीं है, ये फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कलर आप पे कैसा लग रहा है नहीं लग रहा। इस देखिए एक बच्ची खड़ी है यहाँ पे और वहां क्लोथ्स है, तो ये कौन कौन से क्लोथ को टच करेगी, वो इसके ऊपर कैसा लगेगा, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता लग जाएगी। एक एग्जाम्पल और देता हूं जिसका यहाँ डायग्राम नहीं। देखिए आप बहुत समझदार हैं, आप मार्केट में जाते हैं और वहां से सपोज एक आप माइक्रोवेव खरीद के ले आते हैं। माइक्रोवेव खरीद के आप लाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, माइक्रोवेव खरीद के भी लेके आते हैं और घर में जब लेके आते हैं और घर में जब आप उसको प्लेस करते हैं किचन के स्लैब पे, तो आपको ऐसा लगता है यार स्लैब के ना कलर से मैच नहीं हुआ। फिर लगता है यार कलर जो ये है इसके पीछे की जो टाइलें हैं टाइलों से मैच नहीं कर रहा। फिर ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है यार इस माइक्रोवेव के ऊपर ना जगह थोड़ी सी कम बची। ऐसा भी हो सकता है आपको लगे यार माइक्रोवेव के आगे जो स्लैब के पास जगह है वो कम हो गई। लेकिन सोचिए अब आप माइक्रोवेव आप ले आए घर, क्या आप उस माइक्रोवेव को उस शॉप में ले जाके वापस दे पाएंगे? सर पॉसिबल नहीं है। आपका अगर खराब होता है तो कंपनी के लोग आगे ठीक करेंगे, बट वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन देखिए एटमी से अगर उस प्रोडक्ट को आप परचेज करेंगे तो क्या होगा? मैं आपको सिर्फ एक नजरिया दिखाना चाहता हूं, एक फ्यूचर एस्पेक्ट देना चाहता हूं कि एक्चुअली क्या हो। आपने कैमरा लिया, अपने घर में बैठे हैं, आपने किचन के स्लैब की तरफ अपने कैमरे को किया और माइक्रोवेव वहां पे आपको अलग अलग कलर के माइक्रोवेव नजर आ रहे हैं, आपने टच किया। अब आपको आपके कैमरे में ऐसा नजर आएगा कि वो माइक्रोवेव आपके स्लैब पे है। अब आपको दिखेगा ऊपर कितनी जगह बची, आगे कितनी जगह बची, कलर टाइल्स का मैच हुआ या नहीं हुआ, और फिर जो कलर का मैच होगा माइक्रोवेव उसको टच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, खुद हस्बैंड वाइफ देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, पूरा परिवार देखेंगे और उसको हम ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर करने के बाद वो घर आएगा, फिर भी हमारे को गारंटी वारंटी है 30 दिन बाद नहीं समझ आए वापस कर दो। अब मुझे बताइए क्या पास की दुकान से, पास के शोरूम से, क्या आप उस माइक्रोवेव को गलती से भी खरीदेंगे? अगर ये फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं एज एटोमियन, सर पॉसिबल नहीं है। आपके पड़ोस के लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे मुझे रजिस्टर कर दो, मुझे एक माइक्रोवेव खरीदना है, आपने जो खरीदा था आपका तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एटमी से प्रोडक्ट परचेज करना है। एटमी के लोगों को ढूंढ ढूंढ के लोग ढूंढेंगे कि भाई हमें एक प्रोडक्ट परचेज करना है एटमी का, मुझे इसे रजिस्टर कर दो, क्योंकि बिना रजिस्टर ये परचेजिंग नहीं कर पा रहा मैं। सोचिए वो टाइम क्या होगा जब पूरा मोहल्ला आपके पास आएगा कि एटमी में मुझे रजिस्टर कर दो, मुझे इस ऐप के थ्रू ये जींस खरीदना है, मुझे इस ऐप के थ्रू मुझे ये परचेजिंग करनी है। अब देखिए मैं ऐप की बात करता एक्चुअली क्या सोचती है एटमी, शायद आप वो ना सोच रहे हो, ना समझ पा रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं और सुनिए ध्यान से, मैं वो चीजें आपको दे रहा हूं जो मैं समझता हूं एटमी के बारे में। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक आपके पास का एक शोरूम है, उसने इसको देखा, जो थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस करता है, थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस करता है, उसने कहा यार ये ऐप तो बहुत जबरदस्त है आपका, क्या मैं इस ऐप को परचेज कर सकता हूं? तो आपने कहा हाँ कर सकते हैं। तो कैसे, क्या सिस्टम है? तो जी आप रजिस्टर हो जाइए और फिर इस पर्टिकुलर ऐप को भी खरीदने के लिए, जिस तरह आपको आज फेस वॉश खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, आज अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट खरीदते हैं एटमी के प्लेटफॉर्म से तो पैसा देना पड़ता है, इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए भी वो पर्सन रजिस्टर होने के बाद पैसा देगा। और ये सॉफ्टवेयर कहीं का भी
खरीदते हैं तो उसका एक नियम होता है कि वो एनुअल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। सोचिए सपोज एटमी इस सॉफ्टवेयर को 10,000 में बेचती, सपोज, अब हुआ क्या, आपके उस शोरूम वाले ने 10,000 में एटमी के सॉफ्टवेयर को परचेज किया, जब आपने उसको रजिस्टर किया, अब हर साल वो 10,000 में उसको रिन्यू कर रहा है क्योंकि उसका काम बढ़ गया इस। अब सोचिए जरा सा कि जब वो इसको ऐप को परचेज करेगा तो अपने शोरूम के प्रोडक्ट को तो बेच ही रहा है और उसी ऐप से हमारे प्रोडक्ट को भी बेच रहा है फिर, तो अब उसके थ्रू जितना बिजनेस आएगा वो भी आपका और उसके शॉप का जो इनकम है वो तो उसी का है। अब आप सोच के देखिए कि जब ऐसा होगा तब क्या होगा, कभी सोचा आपने, कभी सोचा इस सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर भी कंपनी बेचेगी तो क्या होगा। आने वाले टाइम में एज अ मॉल स्टार्ट होता है तो उसमें आपको एलजी और सैमसंग मिलता है, तो क्या जरूरत है आपको शॉप में जाके लेने की, सोचिए जरा। पास का पड़ोसी अगर कोई एलजी का फ्रिज लेना चाह रहा होगा ना और वो कहेगा जी 20,000 में ये मॉडल मिल रहा है, आप बोलोगे यार 18,000 में मेरे से ले लो, 2,000 रुपए आप उसको डिस्काउंट भी कर दोगे तो भी 20,000 रुपए का आपको पीवी मिलेगा जो उसको खबर भी नहीं होगा, और आपको पता है उस पीवी के आपको 1,00,000 पीवी अगर 20,000 रुपए अगर आपको मिलता है तो 1,00,000 का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके इनकम में इजाफा होना शुरू हो जाए। क्या आपने एटमी को ऐसा सोचा, क्या आपके जहन में एटमी के बारे में ये बातें हैं? आपको तो लगता है आज शैंपू नहीं है, आज कंडीशनर नहीं है, आज फेस वॉश गायब है ना, आज ये ऑफर दे देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। अरे महाराज आज आप सोच के आ रहे हैं, आप अभी एटमी को सोच ही नहीं रहे, आपकी समझ ही नहीं है एटमी के लायक, आप एटमी में पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, आप 100 साल का विजन ही नहीं है एटमी के लिए आपका। अगर ये बातें अगर आपके दिमाग में आ जाए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ऑफर मांगेंगे, आप ये शिकायत करेंगे ये प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट नहीं है। अभी कंपनी स्टेबल हो रही, किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए नए मार्केट में समय लगता है। अगर मैं चाइना की बात करूं, अलीबाबा से टाई अप हो चुका है, लाखों प्रोडक्ट है, ले लीजिए आपको जो लेना है। इंडिया में अगर वो सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है कहीं से, ये मैं अपने तरफ से एक सोच बता रहा हूं, अगर इंडिया मार्ट से एटमी का टाई अप हो जाता है, ले लीजिए कितना प्रोडक्ट लेना आपको, 50,00,000 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। फिर करिए क्या परचेजिंग करना है आपको, आपको घर का बेड लाना है, सोफा लाना है, क्या लाना है आपको, किसी ना किसी से तो टाई अप होगी। अगर चाइना में टाई अप हुई है तो यहां भी होगी, जहां एजा मॉल है वहां भी बहुत सारी कंपनी से टाई अप है। अगर जिस दिन आपका, यहां एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया मार्ट से टाई अप हो गई, उस दिन क्या होगा, सोचा है कभी? या बस शिकायतें करने में रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, इधर नहीं है उधर नहीं है, प्रोडक्ट कम है, अपलाई नहीं ऐसा, डाउनलाइन ऐसा। या तो आप इन उलझनों में पड़े रहिए, या आप अपना एक विजन बना लीजिए कि एक्चुअली क्या होने वाला, आपके बच्चों के साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, सोच के देखिए। अगर इतना पैरामीटर नहीं है तो आप छोटे छोटे उलझनों में फंसे रह जाएंगे, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएंगे आप, आपको लोग परेशान करना चाहेंगे और परेशान हो जाएंगे, आपको डाइवर्ट करना चाहेंगे, आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आप डाइवर्ट होकर दूसरी कंपनी में भी चले जाएंगे, आप एटमी छोड़ भी देंगे, लेकिन आप बाद में अफसोस बनाएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ। जिस दिन यहां से हम करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, आप हमारे साथी होंगे, हमारे हम सफर रहे होंगे किसी टाइम, लेकिन आप कहीं रह जाएंगे और हम कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचेंगे वो जिसकी थॉट प्रोसेस में इतना बड़ा बिजनेस है, इस एंगल में अगर उस बिजनेस को प्लान कर रहा है तो पहुंचेंगे तब, अदरवाइज तो हम बहुत सारी बातों में फंस जाएंगे। देखिए एटमी एक्सआर टेक्नोलॉजी 2021 इज कमिंग, 2021 22 23 मैक्सिमम 25 तक ये सारी टेक्नोलॉजी आपके सामने होगी, और ये जो आपका एरा है, ये बदलाव इस एरा में, इस पूरे बिजनेस में, इस बिजनेस के पूरे माहौल में चेंजेस लाने वाला कौन है, एटमी फर्स्ट कंपनी होगी, क्योंकि यही एक ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जिसने इतना बड़ा टाई अप कर रखा है, जिसका नाम तक लोगों को नहीं पता दूसरी कंपनी वालों को, मैं प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, एमओयू साइन। ये देखिए हमारे हैंडल पार्क है, 360 डिग्री में इनके अराउंड कैमरा लगा हुआ है,
और इसका नतीजा क्या आना है, ये नीचे वाले में देखिए, एग्जैक्टली हैंगिल पार्क सामने आपको अलग प्लेस में नजर आएंगे। मतलब हैंगिल पार्क बैठे होंगे कोरिया में और हो सकता है आपके सामने वो कुर्सी पे बैठकर आपसे बात कर रहे होंगे। ये है टेक्नोलॉजी। आप उस माइक्रोवेव को अपने घर में लाना चाहेंगे और आपको वो माइक्रोवेव बिना परचेज किए हुए एटमी के सॉफ्टवेयर की वजह से, 5D टेक्नोलॉजी की वजह से, एक्स्ट्रा रियलिटी टेक्नोलॉजी की वजह से वो माइक्रोवेव बिना परचेज किए आपके स्लैब के ऊपर दिखेगा। आप सोचा कभी आपने ऐसा है? ऐसा है एटमी? सोच के देखिए कहां आप जाने वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजीज की, तो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी पे काम करती है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मल्टीपल कैप्सूल डिलीवरी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जिसके बेस पर ये प्रोडक्ट को डिजाइन करती है और आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है। प्रॉब्लम हमारी इंटरनल होती है और हम प्रोडक्ट को दोष दे देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरी ही एक डाउनलाइन की डाउनलाइन थी, उसको हमने इवनिंग केयर और फेम का सेट दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसको 5-7 दिन उसको लगा मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। उसके बाद उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि मेरा तो चेहरा डल हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मैंने बड़ा समझाया उसको और वो मेरे समझाने की वजह से यूज तो करती रही, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुई कभी। अचानक से मेरे पास खबर आया और वो सिर्फ यूज करती थी इवनिंग केयर और एब्सोल्यूट। उस समय हीमोहिम वगैरह कुछ भी हमारे पास नहीं था। अचानक से खबर आई मेरे पास कि उसकी डेथ हो गई। अब सोचिए, जिस आदमी के अंदर बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है, ऐसा एनाटॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो उसकी बॉडी को डेथ की तरफ लेके जा रही है, उसमें हमारा फेम और इवनिंग केयर क्या कर लेगी? 1 महीने के अंदर उसकी डेथ हुई। चांस की बात है, उस समय हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जिसको वो खा रही हो। ऐसा मैं बोलूं खा रही हो हमारे कोई प्रोडक्ट को, नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं उस समय खाने। हमने सिर्फ फेस के लिए अप्लाई करने के लिए दिया। तो इतने सारे इंटरनल चेंजेस भी बॉडी में आ रहे होते हैं, जो हमें समझने की जरूरत है कि अगर इस वर्ल्ड के इतने सारे टेक्नोलॉजी यूज करके कोई प्रोडक्ट अगर डिजाइन किया गया है, उस प्रोडक्ट से अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनाटॉमिकल, कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपकी बॉडी के अंदर है। इस बात को आप कंफर्म मान लीजिए, अदरवाइज आपने अभी इंपीरियल मास्टर को देखा था जो ऑडिटोरियम में हमारे इंडिया में आए थे। इतने उम्र के हैं वो, 65+ के हैं, और उनका चेहरा चांदी की तरह चमक रहा था। जबकि एक समय ऐसा था जब वो स्किन केयर बेचने जाते थे तो कोई उसके पास भटकता नहीं था कि पहले तुम अपने शक्ल को तो ठीक कर लो, फिर ये इवनिंग के ये दे देना मुझे स्किन केयर। आज उसके चेहरे पे इतनी चमक है, उसके चेहरे पे अगर सही बताऊं तो बिल्कुल उसका चेहरा आइस जैसा चमकदार लग रहा था। सोच के देखिए कि कई सारे चीजें आपके सामने आएगी। क्या स्पेक्ट्रम है, कितनी आप कंपनी को समझते हैं, कितनी इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसी लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस आता है, उसी लेवल पे वो कॉन्फिडेंस सेल होता है। और ये कॉन्फिडेंस सेल करने का बिजनेस है, क्योंकि अभी हमारे पास कम चीजें हैं। जिस दिन हमारे पास चीजें बढ़ेगी, उस दिन आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये ले लो वो ले लो। अब अगर मैं बात करूं तो ये देखिए टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड के लोग, ये पीछे स्क्रीन पे देखिए, पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पे जुड़े। और कई बार तो ऐसा होता है कि हैंगिल पार्क वहां नहीं है, फिर भी उनका वो अवतार वहां होता है, देखने में लगता है कि हैंगिल पार्क वहां है। ये एक खास बात है। और देखिए जैक मा ने बोला है, इफ यू वॉन्ट टू विन इन द 21st century, यू हैव टू empower others। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप विन करें, जीत जाएं, तो आपको दूसरे लोगों पावरफुल बनाने की जरूरत है।
आपको आपसे बेटर बनाने की जरूरत है लोगों को। अगर आज आप अपने से ज्यादा बेटर आप अपने नीचे नहीं क्रिएट कर सकते तो आप आने वाले समय में कुछ नहीं रह जाएंगे। अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को क्रिएट कीजिए अपने नीचे, अपने से ज्यादा पावरफुल लोग अपने नीचे बनाइए। ये आपके सक्सेस का राज होगा फ्यूचर में। अब मैं चाहता हूं आपके साथ इन टेक्नोलॉजी के बेस पर आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी एक झलक आपको दिखलाना चाहता हूं, और उससे मेरा प्रेजेंटेशन शायद पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको एक अनदर वीडियो शेयर करता हूं, आप उसको देखें। एक मिनट सर, मैं कर रहा हूँ शेयर। Researchers are preparing us for a revolution that will change the world forever by looking into the future of artificial intelligence. This revolution isn't going to happen in a few decades, but in a few years, which means that the clock is ticking for now for businesses to start embracing AI. Artificial intelligence has become a part of our lives. Due to its revolutionary nature, artificial intelligence also faces numerous debates regarding potential impacts on individuals. Although it could be risky, it's also a fantastic opportunity. It is estimated that the global artificial intelligence market will reach $267 billion by 2027. People are worrying about losing their jobs as AI continues to advance, because it has revolutionized industries across all sectors. But AI has increased the number of jobs and possibilities available to individuals across all industries. Every machine needs a person to run it. Although AI has replaced certain occupations, it still creates more jobs for humans. AI can be categorized into three types. Firstly, weak AI performs specific tasks, like Apple's Siri. General AI performs tasks like a human. Super AI is more capable than a human, but both general AI and super AI are hypothetical because these technologies are not yet developed and research is going on. However, the development of such AI will take a lot of time. The development of AGI will accelerate within the following 10 years. In fact, according to researchers, there is a 25% probability that by 2023, AI will resemble humans when it comes to thinking capacity. Additionally, the current data boom, computer developments, and improvements in automated methods and machine algorithms will provide a solid foundation for platforms with human-level AI. AI has occupied crucial sectors like healthcare, cybersecurity, e-commerce, agriculture, robotics, education, the military system, finance, gaming, and many more. AI is used in healthcare to identify diseases, helping healthcare service providers and their patients make better treatment and lifestyle decisions. We can say that without AI, we couldn't have made the incredible recent advancements in fields like robotics, virtual reality, chatbots, face recognition, and autonomous vehicles. Smart robot advisors in finance, insurance, legal, media, and journalism will deliver instantaneous research or discoveries. In the upcoming years, it is anticipated that artificial intelligence and machine learning will become more prominent in the consumer market, which will immediately affect how well web development functions. Virtual assistants, or chatbots, will provide professional advice. Other advantages include strengthening governance through better decision-making processes, shortening time to market for R&D initiatives, and streamlining transportation and supply chain networks. Given all these scenarios, AI is all set to revolutionize every sector in the near future. Given that it is expected to impact 60% of firms, artificial intelligence will continue to spread deeper into a wide range of industries in the upcoming years. It is currently driving development in our smart devices, cars, and favorite apps. In the coming years,
AI will invade every aspect of our life and eventually surpass human intellectual capacity. It won't be long before artificial intelligence becomes a common part of our everyday lives. As it becomes more prevalent, it will allow us to live more efficiently and improve our lives. By increasing their effectiveness, efficiency, and concentration on the primary tasks that require people's attention, AI technologies are transforming many industry sectors. Artificial intelligence will change the world for the better. Thank you for watching. Please make sure you subscribe to our channel and press the bell icon to... Yes, friends. देखिए क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें आज जो नेटवर्क कंपनी में लोग हैं जो लोग आज नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं अनदर नेटवर्क कंपनीज में हैं क्या उनकी सोच यहां तक पहुंच रही है या वो आज भी शैम्पू दाल चावल बेच रहे हैं ये है एटमी अगर आपको इस एस्पेक्ट में एटमी को नहीं सोचते ये जो सारे वीडियोज आपने देखे ये आपकी एटमी की तैयारी ये सारी चीजें एटमी में अवेलेबल होगी और इस अंदाज में आप काम कर रहे होंगे आप सोच के देखिए कि क्या ये अंदाज आज जितनी भी नेटवर्क कंपनीज हैं उनकी सोच समझ है इवन मैं बोलूंगा कई सारे एटोमियन हमारे बीच में हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि हमने एटमी इसलिए ज्वाइन किया सोच के देखिए अगर आपने इस अंदाज में एटमी को नहीं लिया है तो क्या आप वाकई एटमी कर रहे हैं आपको हमेशा शिकायतें होगी लेकिन सोचिए 2025 तक आप अपने इस बिजनेस को लेकर किस मुकाम पे पहुंचने वाले कहां एक्चुअली आप जाने वाले हैं किस दुनिया में पहुंचने वाले हैं जिस दुनिया में आपने अगर अपनी वॉच पहन रखा है तो उस वॉच से आप बात कर सकते हैं उस वॉच से आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं आपको ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर आपके आपके वॉच से ही दिखेगा आपके पास ऐसे क्लोथ्स होंगे जिसमें ब्लूटूथ लगे होंगे तो क्या आपको लगता है कि जितनी कंपनी मार्केट में है उनकी तैयारी किस लेवल पे है एटमी की है और वो भी 100 साल तक की है 100 साल तक जितने चेंजेस आने वाले हैं ऑनलाइन सिस्टम में ऐसे भी सिस्टम आएंगे कि आपने जैसे गूगल खोल के आज आप बोलते हैं आपने गूगल एटमी के ऐप को खोला और वहां बोला कुछ भी एक चीज के बारे में बोला कि यस मुझे ये माइक्रोवेव चाहिए और आपके घर माइक्रोवेव आ गया बिना कोई टाइप किए बिना कुछ किए बिना एड्रेस डाले कुछ भी नहीं करना आपको और आपके घर में वो माइक्रोवेव आ गया सोचिए क्या उस लेवल पे आज की कंपनी आज की जो डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है क्या इस लेवल पे उनका अंदाज है नहीं है तो आप सुपीरियर हैं आपने वो कंपनी ज्वाइन करी है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता Thank you very much. Over to host. Thank you very much. Thank you. Sir, रुक जाइए अभी आप. अभी मत जाइए आप. देखिए डॉक्टर साहब जो चेहरे की जो स्माइल है ना, जिनको ये पता चल गया कि इतना बड़ा सिस्टम हमारे हाथ लग चुका है और हम लोग अगर एटमी के साथ है ना तो उसके साथ मुकाबला हम लोग कर पाएंगे राइट तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सबके चेहरे के अंदर जो स्माइल है वो मैं देखना चाहता हूँ वो चेहरे के अंदर जो खुशी है वो झलक देखना चाहता हूँ मैं तो प्लीज अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं अपने अंदर की खुशी को तो एक बार फिर से एक बार कैमरा ऑन कीजिए मैं तो चेक करना चाहता हूँ सभी को डॉक्टर दीपाली तो नाचने को तैयार हो रही है डांस करूंगी मैं तो ना यस दीपाली जी देखिए डॉक्टर साहब जरा देखिए आप चेहरे देखिए सबके चेहरे पे स्माइल देखिए बहुत बड़ी बात है देखिए ये चीज है ना ये दिखाती है एहसास करवाती है कि हम लोग कहां जाने वाले हैं जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास ना हो ना डॉक्टर साहब कि मेरी जिंदगी वीरान है तो उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी सर लेकिन किसी को अंदर से ये लग गया कि मैंने एटमी को किया है और मेरा फ्यूचर ब्राइट है मेरे परिवार का सबका तो उनके चेहरे पे स्माइल होगी वही देखना चाहता हूं मैं करोड़ों अरबों रुपए की स्माइल है वो प्लीज आप मुझे दिखा दीजिए मैं मानूंगा मुझ पर एक एहसान होगा तो प्लीज डॉक्टर साहब मैं तो चेक कर रहा हूं पहले तो ग्रेट गफूर भाई चेहरे पे स्माइल दिखा दो यार अब मौके का चौका मारो यार क्या बात कर रहे हो यार ये यस ये देखने वाली बात है कि मुझे जब ये सेशन हुआ था ना पहले 1.5 साल पहले आप यकीन मानना कुछ लोग छोड़ना चाहते थे उनको नहीं पता था एटमी के बारे में वो भी नॉर्मल ले रहे थे लेकिन जब ये सेशन आया ना तो लोगों को नींद उड़ गई थी डॉक्टर एस कुमार के पास रात को 3 बजे तक फोन आ रहे थे मेरे पास फोन आ रहे थे तो दोस्तों हम लोगों को कहीं ना कहीं देखिए एटमी को ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है मुझे नहीं हम सबको होती है यार हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास में वक्त से मुकाबला करने के लिए एटमी जैसा प्लेटफॉर्म है अगर हम लोग
वहीं बैठे रह जाते तो शायद जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नोकिया वाली गलती हम लोग नहीं करेंगे, है ना, कभी मत करना, अपने बच्चों को भी कहना कि वो गलती नहीं करेंगे। हम लोग अपने अंदर बदलाव करेंगे, कर चुके हैं। एटमी को समझना होगा दोस्तों, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत ये काम कर रही है, जो कोई सोच भी नहीं सकता ना। लोग बोलते सर वो कंपनी है, नहीं, अब समझ में आया ना आप लोगों को कि एटमी क्या सोच रही है। जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना, उससे ज्यादा एडवांस में एटमी चल रही है दोस्तों। अगले डॉक्टर साहब ने 3 साल की बात कही, मैं आपको आज कह रहा हूं इस मीटिंग के दरमियान, अगले साल आपको बड़े बड़े धमाके नजर आएंगे दोस्तों। ये मैं कह रहा हूं, विश्वास कीजिए मेरी बात का। आप में से जो साथी बात करना चाहते हैं तो अभी हमारे पास टाइम है कुछ, आप लोग हैंड्रेस कीजिए, एक एक को मैं बिल्कुल बुलाऊंगा, मौका दूंगा। जो भी साथी बोलना चाहते हैं प्लीज आप लोग हैंड्रेस कीजिए, या आज मेरे हाथ में है, मेरे को बहुत लेट बुलाते थे लोग, मुझे याद आ गया, आज बदला लूंगा मैं। सच्चा नहीं डॉक्टर साहब, आज बदला लेंगे हम, प्लीज और भी कोई साथी, या आज बदला लेंगे सर, बहुत दिन के बाद बदला लेने का मौका मिला है सबको। दिल खोल के लो, पूरा पूरा बदला बदला लूंगा सर मैं, प्लीज आप लोग एड्रेस कीजिए। मैं चाहता हूँ आज मुझे बदला भी लेना है कुछ लोगों से, इनको सबको बाद में लेना है। डॉक्टर दीपाली कितना भी एड्रेस कर लो, आज मौका नहीं दूंगा, रुक जाओ। यस ललित जी, आपकी मीटिंग में देखा था मैंने, ललित जी हमारे सेल्स मास्टर है, क्या मीटिंग में अभी भी है ललित जी? ओके, शायद नहीं है मेरे हिसाब से। और भी कोई साथी बात करना चाहता है, मौका मिलेगा, एक एक मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को। ओके, कोई नया साथी? सर मैं चाहता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं 75 लोग हैं, या मैं चाहता हूँ कि एक बार उनका संकल्प ले ले सर, एक एक मिनट के लिए सबका। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एटमी इंडिया के लिए ये 75 लोग जिस भी टीम से हैं, एक एटमी इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सबका एक संकल्प ले ले आप। ओके सर, चलिए मैं एक बात पूछूंगा। चलो सर डॉक्टर साहब, अगर संकल्प लेने से कहीं 2-3-5 लाख रुपए भरने तो नहीं पड़ेंगे बैंक में? कोई कंफर्म बता दो, संकल्प ले ले कोई, बाद में सुबह कॉल करो 5 लाख रुपए दो, ऐसा तो नहीं है ना? ना। चलिए फिर तो डॉक्टर साहब आपने बोला और मैं बिल्कुल वो करूंगा। नहीं चलो कंफर्म हो गया ना, हो सकता है बाद में सुबह फोन कर लो, आप ना करो तो विकास गौतम कर ले कि रात को संकल्प लिया था। और मैं सबसे पहले आपको सभी को टाइम का ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक मिनट का टाइम है दोस्तों। सबसे पहले मैं यस रीता यादव, वेलकम रीता यादव। आपने मैम हैंड्रेस किया है, अनम्यूट किया मैंने रीटा जी, रीटा यादव मैम। चलिए शायद वो नहीं सुन पा रहे। ओके सबसे पहले प्रिया मैम वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को एक मिनट का टाइम दिया है, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगी। नहीं एक मिनट का टाइम देने, मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मेरे मेंटर एस कुमार सर है जी, उनकी ऑनलाइन हूँ, इसलिए मेरे को पता है मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ, इसलिए मेरे को सबसे बड़ा यही सपना है कि मेरे एटोमी का सपना एस कुमार सर, मैं खुद पूरा नहीं करूंगी, मेरे एस कुमार सर पूरा कर। थैंक यू सर, एकदम ब्रिलियंट है। जी जी थैंक यू ज्योति मैम, किरण मैम आप भी एड्रेस कीजिए। ओके यस, चलो मैं जुबान तोड़ता हूँ। दीपाली मैम वेलकम, पता नहीं बाद में आपका मौका आएगा तो मुझे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। जी एक मिनट टाइम, एक मिनट ये ध्यान रखना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार सर। डॉक्टर एस कुमार सर अद्भुत अद्वितीय, आज तो बिल्कुल नतमस्तक कर दिया। और सबसे गजब की बात यह है कि डॉक्टर एस कुमार सर आज ज्यादा यंग दिख रहे हैं, जो उनका डीपी लगा था ना वो भी सर को मतलब ओल्ड दिखा रहा था सर, इतना स्लिम हो गए और इतना सुपर सेशन सर, स्पीचलेस। आज मुझे पूरा विश्वास है सर, जितनी एफिशिएंसी से हम एटमी में डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करवाते थे तो 100 टाइम बेटर करेंगे हम। ये सेशन ऑसम है सर, एक संजीवनी का काम करेगा, हीमोहिम की तरह आपका सेशन अब हम यूज करेंगे। थैंक यू सर दीपाली, दिल से धन्यवाद, एक मिनट में पीछा छोड़ दिया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस गफूर जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, समय सबका आता है सर,
आज आप जी खोल के बदला लीजिए। लेऊंगा सर, बहुत दिन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आज का जो सेशन है ना, एक्चुअली में क्या है कि ये वक्त की डिमांड थी, तो इस पे मैं एक लाइन बिल्कुल यही बोलना चाहूंगा, बदल जाओ वरना बदल दिए जाओगे। तो आप क्यों ना उस मौके को अपने पास रखें कि कोई आपको बदले, उससे पहले आप बदल जाओ, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और आज का जो फैशन है डॉक्टर साहब का, क्या कहना चाहिए, कोई शब्द तो है नहीं, बस मुझे तो एक ही लाइन याद रही उस पूरे सेशन को सुन के कि बस बदल जाओ, इसी में आपकी भलाई है। गफूर भाई एक बात और भी है, अगर हम कहते ना खुद से बदले तो अच्छा होगा, अगर वक्त ने बदला ना बहुत तकलीफ होती है, मुझे होती है बहुत। मैं वक्त से नहीं बदला, मेरे को तो वक्त ने बदला, ठोक ठोक के बदला, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। तो वक्त के साथ, थैंक यू गफूर भाई, थैंक यू सो मच। ओके, अभी सबसे सुचेता मैम, वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बड़ी लाजवाब मीटिंग। और बिल्कुल सही एग्री करते हैं कि बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो गुजारा नहीं है। पर इस मीटिंग को सुनते सुनते मुझे तो लगा कि ऑनलाइन की क्लासेस अभी लेने चले जाओ। भैया हमको नहीं आता है पर सीखना तो पड़ेगा, नहीं तो बैंक के में उस बंदे की तरह हाल होगा हमारा। एटॉमी में तो रहना ही रहना है और डेफिनेटली रहना है। बहुत वास्ट खूबसूरत नजर आया था, मजा आ गया। सुचिता जी एक बात और भी बोलूं मैं आपको जी। आपकी संगत जो है ना, आपकी जो संगत प्रवीण जी है, प्रवीण भारद्वाज जी है, फिर डॉक्टर अश कुमार है, तो ऐसे लोगों की जब संगत रहेगी ना तो अपने आप चेंज हो जाओगे आप, ये भी मेरा मानना है ना। सही बात। तो बहुत बढ़िया सर, मैम थैंक यू सो मच। यस मैम, बोलना चाहती कुछ और? थैंक यू। यस जावेद वेलकम। थैंक यू सर मुझे बोलने देने के लिए। आज का सेशन का जब तो तब से मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज डायमंड मास्टर विकास सर हमारे साथ होस्ट में है और स्पीकर हमारे एस कुमार, डॉक्टर सर एस कुमार सर है। तो मैं काफी टाइम से वेट भी कर रहा था और सेशन चालू होने से पहले 10 मिनट पहले से मैं बैठा था। सेशन देख के तो अच्छा समझ में आ गया सर कि हम लोग बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं और आपका हाथ और सर जी का हाथ हमारे ऊपर रहेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। इंडिया में नंबर वन ये कंपनी बनेगी और ये टीम नंबर वन। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। नेक्स्ट अभी प्रवीण जी आप आ जाइए, आपके अपलाइन को बाद में बुलाएंगे। प्रवीण जी करनाल, आपको मौका देंगे। हेलो, यस प्रवीण जी। मैं ऑडिबल सर। यस सर। सभी ऑडिबल्स को नमस्कार और डॉक्टर साहब और विकास गौतम जी को तो हार्दिक अभिनंदन। समय कम है और समय कम होने के कारण सर इतना कह सकूंगा सर, इस 2 साल के एकेडमिक करियर में ये पहला सेशन था जिसने झकझोर दिया, सपनों के संसार की तामीर कर दी है सर। प्रवीण जी एक बात और बोलूं? जी, ये पहला सेशन था, इसके बाद में खतरनाक सेशन और भी है जो शायद अभी तक यहाँ किसी ने, वो भी डॉक्टर एस कुमार का ही है, आने वाला है, बहुत जल्द देखना, बहुत बड़ा सेशन होगा। ये भी सौभाग्य होगा सर, अति सौभाग्य होगा। मैं तो सर 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। अब सौंप दिया है मैंने नैया की पतवार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दी है मैंने नैया की पतवार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और ये फूलों का हार तुम्हारे हाथों में। जब आप जैसे होंगे तो हमें कामयाब होने से बिना कोई ताकत नहीं है सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जगराम जी वेलकम, देना पड़ेगा मौका, कल बारी आएगी आपकी, हाँ जानता हूँ। बदला लोगे मेरे से। आज तो डॉक्टर साहब ने वो मिसाइलें भर दी है सब में, शायद कोई पीछे झुक भी रहा होगा तो वो पीछे नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा और इस सेशन से वास्तव में बहुत आगे बढ़ने का हमको मौका मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट मौका दिया है जो आज बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। आप बिल्कुल ऐसे सेशन दिया करो जिससे कि सब में ताकत भर जाए और उड़ान भरना शुरू कर। जगराम जी मैं ऐड करूंगा जी कि एक्चुअली मैं अगर पूरे टीम की बात करूं, AIA प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो आप एक ऐसे इंसान है इस प्लेटफॉर्म के
तो मैं समझता हूँ आप इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, तो आपको देख कर लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। ये लीड लगा रखा है क्या किसी ने? लीड की आवाज आ रही है। तो जगराम जी आप ऐसी ताकत है, जो मैं समझता हूँ एग्जाम्पल देते हैं आपकी, कि अगर आपने हिम्मत दिखानी है ना तो आप जगराम जी जैसा दिखाई, क्योंकि ये वो इंसान है। मैं आप सबके बीच में बोलना चाहूंगा इनके बारे में, ये वो इंसान है जो फ्यूचर को बहुत जल्दी इन्होंने समझा और देख लिया। और इनके बारे में जब आप कभी आप इनके साथ बैठेंगे तो इनका विजन देखेंगे। बीएड कॉलेज के मालिक है और बीएड कॉलेज जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो बड़ी हैरानी की बात थी उस सिचुएशन में स्टार्ट किया। अगर आप कभी कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और आज वन ऑफ द सक्सेस बीएड कॉलेज है उस पूरे राजस्थान में, लोग यहाँ एडमिशन लेने के लिए पहले से पर्ची लगा देते। सर नेटवर्किंग की मुझे तो नहीं मालूम था, आपका और विकास गौतम जी का कपूर जी ने मुझे इस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। अब मैं उस उड़ान में कभी कमी नहीं आने दूंगा सर। टोटल सारे हथियारों में सब कुछ लैस है तैयारी के साथ। Yes. तो मैं कहता हूँ विजन जो है, विजन इनका बहुत क्लियर है और बहुत आगे आगे का प्लान बना चुके हैं एटीवी में। तो मैं तो ये चाहूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखिए एग्जांपल दो ही लोगों का दिया जाता है, या तो अपलाइन का या सक्सेसफुल डाउनलाइन का। आप अगर बैठे तो आप अपना एग्जाम्पल किसी को नहीं दे सकते, तो आपको एग्जाम्पल हमेशा अपने डाउनलाइन का देना है, सक्सेस डाउनलाइन का, या फिर आपको अपने अपलाइन, तो हमेशा सक्सेस ही होते हैं अपने अपलाइन का। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सामने कोई बैठा हो तो मेरे पास दो एग्जांपल होते हैं, या तो मेरे सामने एग्जांपल होते हैं विकास जी या एग्जांपल होते हैं जगराम जी। मैं सब बिल्कुल सब के इतने सारे लोग हैं लेकिन एग्जांपल के लिए मैं इनकी काबिलियत को सैल्यूट करता हूँ कि ये लोग हैं जो मतलब सिंगल हैंडेड वर्क को कैरी करने के पावर रखते हैं। विकास जी के बारे में बात करूं, ध्यान से सुनिएगा कि जिस टीम से 1 लाख पीवी नहीं आते थे पूरे महीने में, उस टीम से इन्होंने 1 करोड़ पीवी इकट्ठा कर दिया सिर्फ 4 दिन की मीटिंग जाकर मुंबई में, और इतने सारे सेल्स मास्टर वहां पे निकाल दिए। तो ये दो ऐसे एग्जांपल है हमारी पूरी टीम में जो मैं आपको बोलूं हम लोगों को इनका एग्जाम्पल देना चाहिए। और अगर इन्होंने इसी डेडिकेशन से काम किया, चाहे वो विकास जी हैं चाहे वो जगराम जी, अगर इनके डेडिकेशन में कमी नहीं हुई तो ये पूरे टीम के लिए कहते हैं माइल्ड स्टोन होंगे, पूरे टीम के लिए ये एक रीड की हड्डी होंगे दोनों, एक तो मेरे अपलाइन और एक मेरे डाउनलाइन। सर ये जब ही है जब ईमानदारी से इस चीज को अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी से खुद को ईमानदार करके समर्पित होगा तब सारे काम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कैरी करिए सर विकास आगे। थैंक यू जगराम जी, बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और जगराम जी मैं तो एक ही बात बोलूंगा, थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी वाली बात है कि ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हंसना भी चाहिए ना। जी जी, मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर वक्त पड़ेगा तो अपनी टीम के लिए जो नहीं कहते ना, मैं किडनी निकाल देंगे, किडनी दे देंगे या ब्लड दे देंगे, है ना? नहीं निकाल लेंगे। हाँ मैं बोलूंगा। तो एक ने पूछा था मेरे से, मैं ऐसा सेशन में मजाक किया था कि यार कामयाबी के लिए किडनी भी दे देंगे यार। मैंने कहा कि ब्लड भी दे देंगे, तो उसने पूछा विकास जी, फोन किया कि विकास जी यार कमाल की बात, पहला ऐसा अप्लाई ने जो अपनी किडनी निकालने की बात कर। मैंने कहा यार मैं मेरी बात कर रहा, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं कर रहा मैं, समझ रहे हो? तो थैंक यू सर। थैंक यू अनिल सर, वेलकम अनिल जी। यस अनिल सर, अनिल जी करना, वेरी गुड मॉर्निंग सर, क्षमा चाहता हूँ मैंने आपको जानबूझ के लेट किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, मैं वेट में भी अपना एक आनंद है, कहते हैं इंतजार में भी अपना एक आनंद है। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ परमात्मा का, मेरे को इतनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर साहब और आप जैसे गौतम सर मिले। और आज का जो सेशन था डॉक्टर साहब का, माइंड ब्लोइंग सेशन था सर,
डॉक्टर साहब ने जैसे शुरू किया ना 1910 से 1930 वाली जो बातें आ रही थी एरा की, मैं बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं हिस्ट्री मेरा एक फेवरेट है कि हिस्ट्री को मैं ध्यान रखता हूँ, तो सारी बातें जो है ना बिल्कुल एक एक सटीक थी। उदाहरण जो डॉक्टर साहब ने दिए, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो बात आ रही थी वो बहुत जबरदस्त बात की डॉक्टर साहब ने। और 2020 और 25 में जब आई ना सुई तो मैं हिल गया, क्योंकि उस समय तो हमने ये पॉजिटिविटी सीखी थी, जूम को डाउनलोड करना आता नहीं था, कभी कुछ करते थे कभी क्लाउड मीटिंग नहीं, डाउन हो रही सर ये नहीं हो रहा, तो हमने वो सब सीखे, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी सीखी हमने डॉक्टर साहब से कि कैसे मीटिंग ली जाती है। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। उस सारी बात को देखते हुए मेरे को एक ही शेर याद आ रहा है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नौका को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो दशा बदल जाती है। अनिल जी, मुझे 101% विश्वास था कि शेर तो आप ठोक के जाओगे पक्का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस अनुपमा मैम, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्ते सर, दोनों मेंटर्स को और सभी साथियों को। सर आज आपने सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपके आगे तो हम कुछ भी नहीं है, और मैं सिर्फ दो पंक्तियां हैं जो सबको शायद सूट करेंगी। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना खूब संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो, केवल अपनी चाल को, सिर्फ हमको अपनी चाल को बदलना है और सीधे एटॉमिक की दुनिया में हम पहुंच जाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस किरण झवर मैम, वेलकम। हां जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। हां जी, एंड डॉक्टर सर को भी बड़ा वाला नमस्कार। हां जी सर, आज का सेशन तो बड़ा मजेदार था, मजा आया। एंड एक्चुअली मैं स्पीचलेस हूँ कि लाइक सुनते जाऊँ ऐसे फील हो रहा था आज तो, कि सपनों की दुनिया में हम एक्चुअली में खो गए थे एंड लग रहा था कि निकले ही ना। बड़ा मजा आया, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। एंड आई थिंक हम सब ने एकदम राइट कंपनी चूज किया है, राइट कंपनी में हम सब है। एंड एक्चुअली सब जन को ये फील हो रहा है कि वी आर प्राउड एटमियन। अब एकदम जब भी हम लोग एटमी के बारे में किसी को बताएंगे ना, तो सबको ये लगेगा कि हम बहुत सही कंपनी में हैं एंड कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होके आएगी। थैंक यू सो मच सर। किरण जी, मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, मेरी आपसे बातें होती हैं कई बार। क्या आज एटमी में आने के बाद क्या आपको ये विश्वास हो गया पूरा कि जो आपने सपने देखे थे, जो देखा था आपने है ना जीवन में कुछ बड़ा करने का, हर इंसान देखता है ना, फिर बाद में कोई कारण विवश बाद में वो सपने जो होते हैं वो धूमिल हो जाते, खत्म हो जाते, लेकिन फिर एक मौका मिला। आज ही बात हो रही थी कि विकास सर एक बहुत बड़ा मौका मिला मुझे एटॉमिक के माध्यम से, अब मैं अपने सपनों की उड़ान को भरूंगी, तो लग रहा है आपको? हाँ हाँ सर, देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मेरे पास आई, नॉक किया, वो बोलते ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस बोलते, पर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत बार आई, कहीं कंपनी ज्वाइन भी किए छोड़े भी, पर इसमें ना आई डोंट नो एक लगाव सा हो गया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड वही है, मजा आता है काम करने में, और वही है जब तक कोई भी काम हम मजे करके नहीं करते ना उसमें हम सक्सेसफुल नहीं होता है। इसमें मतलब कुछ भी करो मजा ही आता है, एक पोस्ट भी डालो तभी मजा ही आ रहा है, आप लोग से बात करो तभी मजा आ रहा है, तो वही है, वीडियो ऑन करके बात कर रही हूँ तभी मजा आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात कि वीडियो ऑन करके आप बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया जी। आप गुड, आपके वीडियो अच्छे आते हैं मैम, और आपकी देखो कुछ लोगों में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, सभी लोग जानते किरण जवर, डॉक्टर दीपाली है ना, तो बहुत अच्छी वॉइस है आपकी, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अरुण सर वेलकम। अरुण कुमार, हेलो अरुण जी। यस सर, अरुण जी सर, गुड इवनिंग सर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, तो सर मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा सर ऑल एटोमियन को गुड इवनिंग, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे यही एक बात कहना चाहता हूँ कि कर लो विश्वास, ने लड़ना मुश्किल हो जाएगा, और लिखेंगे ऐसा इतिहास एटोमी के अंदर कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने समझने का मौका दिया। थैंक यू सर। अंसारी जी वेलकम, अभिद अंसारी जी वेलकम। जी सर, थैंक यू सर। सर आपने हमें बोलने का मौका दिया, सभी आप एटोमी परिवार को धन्यवाद, नमस्ते। सर आप एटोमी का तो मैं कंपनी का प्रोफाइल ही देख करके सर समझ में आ गया था कि कंपनी कहाँ की लेवल की है, किस लेवल की है। और आज जो डॉक्टर साहब टेक्निकल जो भी है टेक्नोलॉजी कंपनी का जो भी दिखाए हैं वो तो लाजवाब, सभी का माइंड वॉश हो गया सर। और आप जैसे ऑफलाइन हमारे साथ है तो सर हमें तो कोई रोक नहीं पाएगा, अब मार्केट में एकदम फाड़ दिया जाएगा एटोमी कंपनी। थैंक यू सर। वेलकम सर, थैंक यू। लगभग टाइम कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर दीपाली आप कुछ मनी मन बात कर रही हैं, कुछ कहना चाहती आप? जी मैं सुन रहा हूँ, कुछ एहसास हो रहा मुझे, मैं एक बार आपको दोबारा से एक बार अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं एड्रेस कीजिए बात। यस डॉक्टर दीपाली एक बार आप, यस आप कुछ बोलना चाह रही, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। यस मैम प्लीज। सर आपने आपने मेरे मन की बात सुन ली। सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि डॉक्टर एस कुमार सर का सेशन ना होते रहना चाहिए 15 डेज में एटलीस्ट ना, जिससे कि सब लोग इतना अच्छे से सर बंधे हुए थे, जो 85 पीपल स्टार्टिंग में ज्वाइन थे ना पूरा सेशन होने तक उतने लोग थे लास्ट तक। और सर कितना बूस्ट अप हुआ, एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट अप हो गया और हर एक सेशन से इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सेशन सर होना चाहिए, डॉक्टर साहब का ये रिक्वेस्ट है। दीपाली मैम मुझे पता नहीं क्यों एहसास हुआ, मुझे लगा ना कुछ बोलना चाह रहे हो आप। तो दीपाली मैम ये सच्चाई है, मैं डॉक्टर साहब से पिछले करीब 2 साल से कुछ से जानता हूँ इनको, और मैं इन चीजों को जान चुका था। देखिए एटमी के अंदर बहुत लीडर है जिनके पास बहुत नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर एस कुमार जिस चीज को देख पा रहे ना, शायद मैं आज बोल रहा हूँ इस पंच से, वो हर एक इंसान नहीं देख पा रहे। इनका जो नजरिया है, जो इनके पास जो ज्ञान है ना किसी चीज को समझने की भापने की, सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है। मैं अक्सर बहुत लोगों को बोलता हूँ कि डॉक्टर एस कुमार के पास है खजाना, आप भी बोलते हो ना, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इनके पास में। तो आज से मेरा मानना है कि आज से कम एटमी के प्रति कुछ नजरिया और भी बदला होगा, राइट? मेरे ख्याल आपका तो पहला सेशन था ये, फर्स्ट है ना। तो दोस्तों क्या आपको ऐसा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में जो भी साथी है वो चैट बॉक्स में लिखिए क्या आज के सेशन से क्या आपका, तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए आप प्लीज। एक मिनट का मैं टाइम जरूर दूंगा और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप प्लीज जो भी लिखना चाहते, क्या आज के सेशन से आपका नजरिया बदला। और कहते नजर बदलने से नजारा बदल गए, तो आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर जो भी लिखना चाहे कि यस आज का सेशन हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि उस सेशन से सेकंड ऐसा हुआ, पहले भी हुआ था कि बहुत से लोगों की लाइफ में आज भी एटमी है, मैं सच बता रहा हूँ दीपाली मैम, आज भी एटमी है लाइफ। तो आज का सेशन बहुत कुछ दे गया, अगर ले लिया हमने और दिल और दिमाग के अंदर वो बैठा दिया ना, तो फिर आप कभी नहीं रुकने वाले हो। और अगला जो 2023 जो आने वाला है, मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ, आपको एटमी की बहुत बड़ी झलक दिखाई देगी। आज का सेशन आपको याद आएगा कि उस समय डॉक्टर एस कुमार का एक सेशन हुआ था, है ना, मजाक सा भी लगा होगा किसी को कि ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों यस इससे भी बड़ा होने वाला है ये सर, सर तो सारी चीजें भी बड़ा होने वाला सर, सर की तो सारी चीजें इतनी ऑथेंटिक है ना, एक एक चीज पे सर ने सर कोई भी ऐसा नहीं है कि अनुमानित हो, सब कुछ सर ने तर्क संगत बोला, तो मजाक तो लगने वाली बात ही नहीं है सर, ये तो सच्चाई थी एटमी की जिसे सर ने इकट्ठा करके दिखा दिया है ना, वो सारा सार गर्भित था सर, किसी को मजाक लग ही नहीं सकता इसमें। और बहुत बड़े जी सर, ये अभी बिट्टू मैम का भी एक सेशन ड्यू है, पॉइंट भी नोटेड। बिट्टू मैम हां बिल्कुल, दीपाली मैम आप याद दिलाते रहते, यस डेफिनेटली वो सेशन लेके आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे। और मैं तो यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे स्पेशली सेमी सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर, स्पेशल एजेंट और इवन एजेंट, जितने लोग हैं इस डेजिग्नेशन और इस लेवल पे, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्पाउस को लाना शुरू कर। जब तक आप अपने हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ एंड हस्बैंड को जब तक हम लाना नहीं शुरू करेंगे उनको सेशन में, जब तक हम उनको इवन जो आप होस्टिंग करवा दीजिए उनसे,
कुछ जितना वो कर सकते हैं उतना करवाएं, क्योंकि जब तक हम अपने कहते हैं ना स्पाउस को लेके नहीं आएंगे तब तक हम अपने काम को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जरूर जरूर हम लेके आएंगे, बिट्टू मैम को भी लेके आएंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब अपने स्पाउस को लेके आइए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर एस कुमार, और आज के सेशन में आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस कुमार दिल से आपका थैंक यू बोलूंगा हम सबकी तरफ से, और बिल्कुल हम सब चाहते हैं, डॉक्टर दीपाली ने कहा है तो आज बिल्कुल डॉक्टर दीपाली आपने जो कहा है वो आपकी टीम की आवाज है, तो मैं भी कमिटमेंट करता हूँ डॉक्टर साहब से, नहीं पूछ रहा कि अगले 15-20 दिन के अंदर आपको फिर एक डॉक्टर एस कुमार का सेशन आप लोगों को सुनने को सीखने को मिलेगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, आप दोनों 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 पीच पे खड़े होंगे तो जरूर रनों का अंबार लगेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आप लोगों पे विश्वास है ना, कहते हैं जो विश्वास की ताकत बहुत बड़ी, ये विश्वास है जो आप लोगों का डॉक्टर साहब के प्रति मेरे प्रति, उससे कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है और मुझे मेरे अंदर की भी ताकत बहुत निकल के आ रही। तो आप जैसी टीम सब लोगों को मिली और उसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है। और फिर एक ही बात बोलूंगा, कल सेशन में फिर मिलेंगे, आज का टाइम लगभग कंप्लीट हो गया है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी को दिल से। थैंक यू। थैंक यू।